हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ मनप्रीत एंड मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल नर्सिंग स्कूप सो इन टू डेज वीडियो आई विल डिस्कस द एमसीक्यू इज रिलटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट पार्टम हैमरेज पीपीएच सो दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो इन अ प्रीवियस वीडियो आई हेव अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ पीपीएच एंड द इथियोलॉजी सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पीपीएच पार्ट वन वाली वीडियो को देख लेना सो so, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करा करो एंड अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो सो so, अब हम करते हैं स्टार्ट आज के एमसीक्यू से सो हियर इज अ फर्स्ट एमसीक्यू ऑल आर डन इन मैसिव पीपीएच एक्सेप्ट सो कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है पीपीएच का वो हमें फाइंड आउट करना है ऑप्शंस आर हिस्टोरेक्टमी हिस्टोरेक्टमी इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ फॉर पीपीएच देन लाइगेशन ऑफ एंटीरियर डिविजन ऑफ एंटीरियर एलियक आर्ट्री सो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन देन नेक्स्ट है सी ऑप्शन बलून टाम्पोनार्ट सो दिस इज ऑल्सो दन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पीपीएच सो लास्ट ऑप्शन है थर्मल एंडोमिटेरियल अब्लेजन सो ये पीपीएच का ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है और जो रेस्ट हमने ऊपर तीनों देखे दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पीपीएच सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमार्टम हैमरेजेज ऑल एक्सेप्ट एंड हियर आर द ऑप्शन ऑक्सीटॉसिन मेथर्जन ईस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंड सो कौन सी ड्रग इनमें से हम यूज नहीं करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच सो जो ऑक्सीटॉसिन है यह तो देखो फर्स्ट लाइन ड्रग है रिकमेंडेड बाय डब्ल्यूएचओ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच और ऑक्सीटोसिन इज अ ड्रग जिसको हम प्रोफाइल एक्टिकली भी यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच एंड ऑल्सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच ठीक है सो आपको पता होगा इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जैसे ही डिलीवरी होती है हम ऑक्सीटोसिन को देते हैं ठीक है एंड दैट इज द प्रोफाइल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन सो सेकंड इज द मेथर्जिन मेथर्जिन अगर ऑक्सीटोसिन इफेक्टिव नहीं हो रही है पेशेंट पे देन हम सेकेंड जो ड्रग यूज करते हैं डेट इज मेथर्जिन और इसके साथ हम यूज कर सकते हैं प्रोस्टाग्लैंड ठीक है लाइक कार्बोप्रोस्ट हो गया मीजोप्रोस्ट हो गया सो so, जो तीनों ड्रग्स हैं वो हम यूज करते हैं और ये इन ड्रग्स को हम बोलते हैं यूट्रोटोनिक एजेंट्स ठीक है यो यूट्रस है हमारी उसकी टोन को मेंटेन करने के लिए उसकी कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज करने के लिए यो हम ड्रग यूज करते हैं डेट आर द यूट्रोटोनिक एजेंट्स एंड उनके फाइन एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीटोसिन मेथर्जिन एंड प्रोस्टाग्लैंड लाइक मिजोप्रोस्ट एंड Carboprost. So, the option C is not a treatment option for a PPH, estrogen. So, option C is a correct option. So, with this, moving towards the next question. So, next question is. द कॉन्ट्रा कॉन्ट्राइंडेशन ऑफ मेथर्जिन आर देखो अभी हमने पढ़ा कि अगर ऑक्सीटोसिन इफेक्टिव नहीं होती है तो हम सेकेंड रो कौन सी यूज करते हैं डेट इज द मेथर्जिन बट मेथर्जिन यूज करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है ठीक है बिकॉज इस ड्रग का जो मेन एक साइड इफेक्ट है डेट इज द हाइपर टेंशन ठीक है हाइपर टेंशन करती है ये ड्रग सो so अगर हाइपर टेंशन करती है तो इसको हम फिर प्री एक्लेम्सिया वाले पेशेंट में यूज नहीं कर सकते ठीक है सेकेंड क्या होता है जब हम मिथर्जिन देते हैं तो ये क्या करती है फोर्सफुल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन करवाती है अब जब फोर्सफुल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होगी तो क्या होगा जो ब्लड होगा वो यूट्रस से एंटर होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में और जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड एकदम से एड होगा तो क्या होगा जो कार्डियक वर्कलोड है वो इंक्रीज हो जाएगा सो so अगर पेशेंट कार्डियक एम्पेयरमेंट है उसको कोई कार्डिय डिजीज है तो उसमें भी फिर आप नहीं देते हो एंड थर्ड इज देरीफ्रल वेस्कुलर डिजीजेस ठीक है सो एक मेजर इसका इफेक्ट और भी है कि ये सिवियर वेज ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन कर देता है सो so, अगर पेशेंट को कोई पेरीफ्रल वेस्कुलर डिजीज है तो भी आप मेथर्जिन उसको नहीं दे सकते हो सो so, आपको ये पहले असेसमेंट करना पड़ेगा उसके बाद आप मेथर्जिन को एडमिनिस्ट्रोर करोगे सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया फिर डी सो हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टू प्रिवेंट द पीपीएच कौन सा इसमें से इंटरवेंशन नहीं होगा फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर फर्स्ट इज यूट्रोटोनिक विद इन द वन मिनट ऑफ डिलीवरी अभी हमने पढ़ा कि हम यूट्रोटोनिक एजेंट देते हैं एंड दैट इज द ऑक्सीटोसिन ठीक है टेन यूनिट्स देते हैं हम ऑक्सीटोसिन के फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच सेकेंड इज डिलेड क्लैंपिंग कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ कॉर्ड यस सो डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड करा है कि जो कॉर्ड क्लैंप है उसका डिले होना चाहिए ठीक है वन टू थ्री मिनट इमीडिएट कॉर्ड क्लैंपिंग हम नहीं रिकमेंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टू प्रिवेंट द एनीमिया सो नेक्स्ट इज कंटिन्यूस मसाज ऑफ द यूट्रस देखो अभी जो डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन आएंगे उन्होंने बोला है कि आपने ऐसा नहीं कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ही आपने कंटिन्यूशन में मसाज करना स्टार्ट कर देना यूट्रस को सो so, उसमें पहले आप असेस करोगे यूट्रस को ठीक है अगर आपको लगता है ए टॉनिक यूट्रस है पेशेंट पीपीएच में जा रहा है तब आप मसाज स्टार्ट करोगे वैसे ही कंटिन्यूशन में नहीं करोगे फर्स्टली असेसमेंट करोगे एंड आफ्टर दैट इफ यू फाउंड द यूट्रस इज ए टॉनिक देन यू हैव टू गो फॉर मसाज एंड अदर इंटरवेंशन ओके एंड द ऑप्शन डी इज अ कंट्रोल्ड कॉड ट्रेक्शन सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड फॉलोइंग ठीक है कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं है इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर सो ऑप्शन आर इंटरमीडियंट यूट्राइन टोन असेसमेंट अभी मैंने बोला आपको कि जो डब्ल्यू एच ओ ने रिसेंटली भी एड कर दिया है कि इंटरमीडियट यूट्राइन टोन असेसमेंट करोगे बिफोर स्टार्टिंग एनी इंटरवेंशन सो नेक्स्ट इज द कंट्रोल कॉट्रेक्शन ये तो इसका पार्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट है सो नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीटोसिन आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी सो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आप फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच देते हो ऑक्सीटोसिन इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड ऑप्शन डी इज अर्ली कॉर्ड क्लैम्पिंग सो अर्ली कॉर्ड क्लैम्पिंग आप ऑल सेनेरियोज में नहीं करते हो सो ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन हेयर ओके सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अर्ली कॉर्ड क्लैम्पिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन Next question is Look at the image and identify the name of the procedure. So, options are balloon tamponade, bimanual uterine compression, devascularization, or pelvic pressure pad. अगर पेशेंट की यूट्रस ए टॉनिक है तो आप उसको मेडिकल मैनेजमेंट के साथ साथ जो आप ऊपर अभी हमने ड्रग्स पड़ी आप ऑक्सीटोसिन देती हो वो इफेक्टिव नहीं है तो आप देते हो फिर मेथर्जिन और प्रोस्टाग्लैंड उसके साथ साथ सैमल्टेनियसली आप स्टार्ट करते हो बाई मैनुअल यूट्राइन कंप्रेशन ठीक है तो so, इस प्रोसीजर में होता क्या है आप अपने एक हाथ को एंटर करते हो इन साइड फिस्ट फॉर्म में क्या करते हो यूट्रस को ऐसे प्रेस करते हो और ऊपर से जो सेकेंड आपका हैंड होगा उसको आप अब पे रखते हो यूट्रस की लोकेशन पे और ऊपर से उसको प्रेस करते हो ठीक है यहां से भी प्रेस होगा यहां से भी प्रेस होगा और यूट्रस का क्या होना लगेगा इससे कंप्रेशन स्टार्ट होने लगेगा और उससे क्या होगा ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है सो द राइट ऑप्शन इज बाई मैनुअल यूट्राइन कंप्रेशन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रैंड मल्टीपारा ब्लीड्स प्रोफ्यूजली आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा आईवी फ्लोइड आपने दे दिए ऑक्सीटोसिन भी दे दिया बट द पेशेंट इज स्टिल ब्लीड ठीक है बहुत हैवीली ब्लीड कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट टेन मिनट्स इवन आफ्टर एडिकेट यूट्राइन मसाज ठीक है आपने यूट्राइन मसाज भी कर दी फिर भी हो रहा है ऑन एग्जामिनेशन शी इज हैविंग अ टेकार्डिया भी हो रहा है बीपी लो है यूट्रस इज वेरी सॉफ्ट एंड बॉगी सो वट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट अब क्या करोगे जो बेसिक मैनेजमेंट आपने सारी कर ली ठीक है सो नेक्स्ट देखो ट्रीटमेंट ऑप्शन यूट्राइन कॉम्प्रेशन सुचर देन कैरी आउट बेलून टेम्पोनार्ड नेक्स्ट इज लाइगेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी एंड ऑप्शन डी इज द हिस्टोरेक्टमी देखो जो पीपीएच की मैनेजमेंट है इसके कुछ स्टेप्स है हमने दो स्टेप ऊपर देख लिये फर्स्टली आप मेडिकेशन दोगे और साइमल्टेनियसली आप स्टार्ट करोगे बाई मैनुअल यूट्राइन कॉम्प्रेशन अगर उससे भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है जैसा कि यहां बताया गया है कि इसमें के पेशेंट को स्टिल हैविली वो ब्लीड कर रहा है टेकिकारिया है बीपी लो है यूट्रस सॉफ्ट एंड बॉगी है सो so, जो नेक्स्ट स्टेप उसके बाद बनता है डेट इज अ कैरी आउट यूट्राइन टेम्पोनाड ठीक है ये प्रोसीजर क्या होगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ठीक है अगर यूट्राइन टेम्पोनाड के साथ पेशेंट स्टिल ब्लीड कर रहा है नहीं ठीक हो रहा है तब आप जाओगे दो ऑप्शंस आपके पास बनते हैं जहां तो आप करोगे उसका यूट्राइन कंप्रेशन सूचर ठीक है और सेकंड बनता है आपका लाइगेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरीज़ ठीक है सो अगर पेशेंट स्टेबल है थोड़ा सा तो आप क्या करोगे लाइगेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी कर सकते हो बट अगर पेशेंट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और आपको इमीडिएटली करना है तो फर्स्टली आप पहले करोगे यूट्राइन कंप्रेशन सूचर और उसके बाद आप लाइगेशन करोगे यूट्राइन आर्टरी की कि जो भी ब्लड सप्लाई आ रही है वो आप उसको लाइगेट कर दोगे स्टॉप कर दोगे ताकि जो ब्लीडिंग अपने आप फिर स्टॉप हो जाए ठीक है और अगर इन सबसे कुछ नहीं हो रहा ठीक है आपने टॉम्पोनाड भी कर दिया कंप्रेशन सूचर भी लगा दिए आपने अपने भी लाइगेट कर दिया फिर भी नहीं हो रहा तो फिर लास्ट ऑप्शन बनता है कि आप यूट्रस को ही रिमूव कर दो हिस्टोरेक्टमी कर दो आप ठीक है बिकॉज मदर को बचाना ज्यादा जरूरी है यूट्रस का फिर हम उस टाइम पे नहीं देखेंगे ठीक है सो so उसके लिए आपको अलग से कॉन्सेंट लेना पड़ेगा वो सब है सो so इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज बी कैरी आउट द यूट्राइन टम्पोनार्ड सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन

और जो बाकरी बलून कैथेटर है ये बहुत इफेक्टिव है बट मोस्टली क्या होते हैं हम यूज उसको नहीं करते बिकॉज ये कॉस्टली ज्यादा होता है और गवर्नमेंट सप्लाई में तो आता ही नहीं है सो so, इसकी जगह पे फिर हम यूज कर लेते हैं कॉन्डम कैथेटर सो so, ये तीनों ही इफेक्टिव है सो ऑल ऑफ दीज थ्री आर यूज इन केस ऑफ बेलून टाम्पन और प्रोसीजर हाँ जी सो ये रहा आपका बाकरी बलून कैथेटर इसको हम यूट्रस में ऐसे इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उसको इन्फ्लेट करते हैं नॉर्मल से लाइन से बेसिकली इन्फ्लेट करना होता है और उस इन्फ्लेट करने के बाद क्या होगा वो यूट्रस को कंप्रेस करेगा और जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी सो तो ये बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर है अगर इससे भी कुछ नहीं होता तो फिर हम जो अपनी नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाएंगे सो तो अगर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो आप कॉन्डम कैथेटर को भी यूज कर सकते हो और एस ट्यूब को भी यूज कर सकते हो सो विदविंग टूवर्ड्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन द कैपेसिटी ऑफ बलून टेम्पोनेट टू अरेस्ट द पीपीएच इज जो आप बाकी बेलून कैथेटर यूज करते हो या और कोई भी आप यूज करते हो क्वान्डम कैथेटर हो गया चाहे उसको आप कितना इन्फ्लेट करोगे सो so, ये भी क्वेश्चन बन सकता है सो उसका जो ऑप्शन रहेगा हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड एम एल ठीक है बलून को फिल करने की डेट इज अ 500 हंड्रेड एम उससे ऊपर आप फिल नहीं करोगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द इमेज एंड आइडेंटिफाई द प्रोसीजर एंड हेयर इज द इमेज और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या हो रहा है इस प्रोसीजर में सो so, हमने अभी देखा कि अगर बलून टेम्पोन काम नहीं कर रहा है तो उसके बाद आप क्या करोगे यूट्रस कंप्रेशन सूचर लगाओगे ठीक है मतलब क्या कि यूट्रस है उसको आप सूचर लगा दोगे और सूचरिंग करके आप उस सूचर्स को टाइट कर दोगे सो so, उससे क्या होगा जो यहां पे जैसे हुआ है तो इससे क्या होगा यूट्रस कंप्रेस हो जाएगी और ब्लीडिंग होनी स्टॉप हो जाएगी सो so, जो एग्जांपल यहां पे दी हुई है इमेज में डेट इज द बी इंच सूचर बी लंच सूचर का ये एग्जांपल है और जो आपका हेमन सूचर है ये मॉडिफाइड फॉर्म है बीलिंच इंच सूचर का और बेलोन टाम्पोन हमने ऊपर देख लिया और यूट्राइन लाइगेशन ये नहीं है ठीक है दिस सूचरिंग हुई है यहाँ पे सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बील सूचर इज अप्लाइड ऑन सोविक्स यूट्रस फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज सो हमने देख लिया इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है यूट्रस सूचर हम यूट्रस पे अप्लाई करते हैं बिकॉज उसकी टोन लॉस हो चुकी है और हम उसको टाइट कर देंगे सूचर को ठीक है बड़े बड़े सूचर लगाएंगे यूट्रस पे ताजो जो ब्लड सप्लाई जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टरीज नेवर लाइगेटेड ड्यूरिंग द स्टेप वाइज डीवेस्टुलराइजेशन इन पीपीएच ठीक है सो so, अभी हमने ऊपर कर दिया ठीक है सूचरिंग कर दी अगर सोचरिंग करने से सोचरिंग क्या एक इमीडिएट प्रोसीजर है आप जल्दी जल्दी कर सकते हो अगर सूचरिंग से भी नहीं ठीक हो रहा है तो आप नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करोगे जो आर्टरीज सप्लाई कर रही है यूट्रस को आप उन आर्टरीज को ही लाइगेट कर दोगे ठीक है ताकि ब्लड सप्लाई आए ना और ब्लीडिंग अपने आप स्टॉप हो जाए इन so, इनमें से कौन सी आर्टरीज़ को गेट नहीं करोगे ये क्वेश्चन में पूछा है सो so, ओवेरियन आर्टरी को गेट कर सकते हो यूट्राइन आर्टरी को भी कर सकते हो एंटीरियर डिवीज़न ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी इसको भी लाइगेट कर सकते हो बट जो आपका कॉमन इलियक आर्टरी है इसको लाइगेट नहीं करना है हां जी सो जो इलियक आर्टरी है उसका इंटीरियर डिवीजन जो इंटरनल इलेक्क आर्टरी है उसको आपने लाइगेट करना होता है जो कॉमन इलेय आर्टरी है जहां उसकी जो पोस्टीरियर डिवीजन है उसको लाइगेट नहीं करना है बिकॉज उसको अगर लाइगेट कर दिया तो जो आपका लोअर लिम्ब है उसको ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा ठीक है सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है किस आर्टरी को आपने लाइगेट नहीं करना है डेट इज द कॉमन इलेक आर्टरी सो वे मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन

तो so, ये ऑप्शन भी गलत हो गया बिकॉज इसमें जो हाफ इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है जो नीज है वो फ्लेक्स्ड होनी चाहिए जब आपने असेसमेंट करनी है पेशेंट की सो द ऑप्शन सी इज आज द मदर टू यूरिनेट एंड एमटी हर ब्लैडर सो बिल्कुल सही ऑप्शन है यू हैव टू आज द मदर फॉर यूरिनेशन सो टू परफॉर्म द असेसमेंट वेरी एक्यूरेटली और उसके बाद आप असेसमेंट के बाद देखने हैं अगर ये टॉनिक है तब आपने मसाज की ओर जाना है ठीक है सो अब आफ्टर डेट मसाज वाला प्वाइंट आएगा सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ओके सो डेट्स ऑल अबाउट दैट टू वीडियो सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए पोस्टमार्टम हेमरेज के ट्रीटमेंट ऑप्शन जो भी हैं ठीक है, है, है मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन देख लिए सो so, इसके साथ ही आपका पीपीएच का टॉपिक हो गया है कंप्लीट सो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी के क्वेश्चन पे वीडियो सो so, ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो अस ऑन आर फेसबुक पेज ऑल्सो ठीक है सो so, उसके जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी आप वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और चैनल की सपोर्ट के लिए आप वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दिया करो सो so, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सो टिल दैट टाइम स्टे स्टेट स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग